दोस्तों हम सब प्यार करना चाहते हैं, रिलेशनशिप में पढ़ना चाहते हैं, रिलेशनशिप में रहना भी चाहते हैं, लेकिन हमारे पास वो ठोस टिप्स, वो जो कहे कि जिसके बलबूते पर रिलेशनशिप टिकी रहे, वैसा कुछ नहीं होता। इसीलिए दोस्तों हमें कई कंफ्यूजन रहते हैं कि पूरी जिंदगी ये रिलेशनशिप रहेगी नहीं रहेगी, ऐसा क्या किया जाए कि ये रिलेशनशिप बेहतर बने। तो दोस्तों मैं आज आपको सिर्फ और सिर्फ 4 ऐसी टिप्स बताऊंगा जिससे आपका लव हो, रिलेशनशिप हो, कुछ भी हो, पूरी जिंदगी एकदम हेल्दी तरीके से टिकेगा और अच्छे से अच्छा आपका जीवन जाएगा। क्योंकि हम इसी 4 टिप्स को अपनाते नहीं है और रोते रहते हैं कि हमारे रिश्ते बिगड़ रहे हैं, जिंदगी अच्छी नहीं है। लेकिन अगर आपने ये अपना लिया तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा जैसे आप अभी महसूस कर रहे हैं। तो दोस्तों अपने रिश्तों को एकदम मजबूत और अच्छे बनाने के लिए चलिए देख लेते हैं वो 4 लव या तो यूं कहें रिलेशनशिप टिप्स। उसमें सबसे पहला है बी ऑनेस्ट, यानी कि ईमानदार बने रहे। हम किसी के साथ भी रिलेशनशिप में आते हैं तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारे पे आती है, इसीलिए दोस्तों वास्तविक बने रहे, जो है वही दिखाएं। आप चाहे तो अपनी तरफ से सबसे अच्छा इंसान बने या चाहे तो सबसे बुरा भी बने, सब कुछ बने, लेकिन ईमानदार बने, मुखटे पैर के घूमते मत रहिए, जो है वही दिखाइए। कभी कभी लोगों की कंप्लेन होती है, कुछ ऐसी अजीब हरकतें होती है हमारे कि सामने वाले के सामने हम कैसे करें, जैसे कि नहाते समय गाना, फाट करना, कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो दोस्तों इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है, आप जो है वही करते रहिए, सामने वाले को आप में सच्चाई दिखेगी और वो आपको चाहने लगेंगे। और दोस्तों ऐसे झूठे वादे कभी ना करें जो आप निभा ही ना सकें, कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन जो है वही कहिए कि अगर होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है। इससे थोड़ी देर हो सकता है उनको बुरा लगेगा, लेकिन वो आपकी इज्जत करने लगेंगे कि भैया वो जो होता है वही बोलता है, वरना बोलता ही नहीं। ईमानदार होने का मतलब है आप जो है वही असली रहे, स्वतंत्र बने रहे। अपनी रिलेशनशिप को मजबूत बनाने के लिए चलिए अगली टिप देख लेते हैं। दूसरा है से इट। दोस्तों आप एक दूसरे को आई लव यू नहीं कह सकते तो ये संबंध किस काम का, मतलब कि आप जो भी फील करते हैं वो सामने वाले को बताइए। कुछ भी आपको तकलीफ हो, अच्छा लगता हो, बुरा लगता हो, ये मुझे ऐसा लगा वैसा लगा, सब कुछ बताइए। इससे उन्हें लगेगा कि आप उन पर अच्छा विश्वास करते हैं और वो भी आप पे भरोसा करके वो भी अपनी फीलिंग्स बताते रहेंगे। फीलिंग्स शेयर करने से अपना संबंध मजबूत होता है। कुछ भी कह देने से आपका मन हल्का फुल्का रहेगा और कोई बात का सॉल्यूशन भी निकलेगा, इसीलिए जो फील किया वो बोल दिया। तीसरा टिप है द लिटल थिंग्स, यानी कि छोटी छोटी चीजों से ही हमारी जिंदगी बड़ी बनती है। कभी कभी यह सबसे छोटी चीजें होती है जो आपके प्यार में सबसे मजेदार होती है। छोटी छोटी खुशियों से ही जीवन बनता है। आप भी चाहे तो अपने जीवन को इन छोटी छोटी खुशियों से भर सकते हैं, जैसे कि बातों बातों में जॉक्स बोलना, घर जाते वक्त सामने वाले का मन पसंदीदा नाश्ता लेके जाना, उनको किस करके या हग करके उठा लेना, साथ में वॉकिंग करने जाना और बातें शेयर करना, ऐसी और भी चीजें हो सकती है। तो दोस्तों ऐसी छोटी छोटी खुशियों से जीवन को खुश करना न भूले। चलिए लास्ट ऐसी टिप देख लेते हैं कि हमारे संबंध को बेहतर बनाए। चौथा है कॉम्प्रोमाइज। दोस्तों मैं यहाँ कहना चाहूंगा, आपको कभी भी खुद को नहीं बदलना है, लेकिन आपको हमेशा समझौता करने के लिए तैयार रहना चाहिए। कभी कभी जिंदगी में ऐसे संजोग बनते ही है कि जब आपको समझौता करना पड़े, आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, तो उसके लिए तैयार रहिए। ऐसा करने से आप वही परिस्थिति में कभी भी टेंशन में नहीं आएंगे और फिर से जिंदगी में बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकेंगे। कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि हमें पढ़ाई करने की इच्छा है, वो करने की इच्छा है, लेकिन हम नहीं कर पाते, हमें संबंध में रहते हुए कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, तो वो ठीक है, उसके लिए तैयार रहिए, दूसरे तरीके से अपना काम चालू रखिए। तो दोस्तों ये थी 4 ऐसी लव टिप्स जो आपके संबंध को एकदम हेल्दी बनाएगा। एक भी टिप आप भूल न जाए इसीलिए फिर से 4 टिप्स का एक बार रिवीजन कर लेते हैं। उसमें सबसे पहला था बी ऑनेस्ट, दूसरा था से इट, तीसरा था द लिटल थिंग्स और चौथा था कॉम्प्रोमाइज। तो दोस्तों इन्हीं 4 टिप्स की बदौलत अपने संबंध को एकदम बेहतर बनाए और असली जिंदगी जिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए और अपने ऐसे और भी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, नो बेटर लिव बेटर।